Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Assalamualaikum, गुड मॉर्निंग. आज के साथ मैं हूं सबाशी और मैं हूं अनम काजमी. उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मजे में होंगे, टिप टॉप होंगे और आप लोगों ने ईद भी भरपूर तरीके से एंजॉय की होगी क्योंकि छुट्टियों के बाद हम लोग आ रहे हैं. तो हम सब की तरफ से आप लोगों को हम गुज़िश्ता ईद जो है वो बहुत बहुत मुबारक देना चाहेंगे. जी हाँ बिल्कुल. और आज है ईद का यानी कि फाइनली वर्किंग डे ईद के बाद. हाँ फोर्थ डे है ईद का. और तीन दिन जो है बकरीद की खास बात ये होती है कि हमेशा तीन दिन इसमें जो है कुर्बानियों में गुजर जाते हैं कि किसी के घर में पहले दिन कुर्बानी होती है, किसी के घर दूसरे दिन और किसी के घर तीसरे दिन. और फाइनली आज से एक ऐसा वीक स्टार्ट होता है जिसमें दावतों का, बारबेक्यू का और चांपों का और टिक्कों का सिलसिला शुरू हो जाता है. तो आई एम श्योर आप सब लोगों के घरों में भी अब दावतों के सिलसिले शुरू हो गए होंगे और सैटरडेज को तो ग्रैंड बारबेक्यू भी आप लोगों ने रखा होगा. खैर गुड मॉर्निंग, आज का शो लेकर एक दफा फिर से मैं और अनम आपके सामने हाजिर है और आज शो के हवाले से कुछ बात करना चाहूंगी. जैसा कि आपने गुड मॉर्निंग आज के हमारे शो को तमाम फॉर्मेट्स को बहुत पसंद किया, बेइंतहा पसंद किया, आप लोगों का फीडबैक आता रहा कि जी आप लोग बहुत अच्छी बातें करते हैं, बहुत अच्छे टॉपिक हाईलाइट करते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं, एजुकेशन के हवाले से जो वीक हमने मनाया उसके हवाले से आपने बहुत अच्छा फीडबैक दिया. तो ओवरऑल शो के हवाले से कुछ बताना चाहूंगी कि डेफिनेटली हम इस शो में जहां इन्फॉर्मेशन देते थे तो आप लोगों को इतना जबरदस्त लगा ये हमारा आइडिया, आप लोगों को इतनी पसंद आई हमारी ये न्यूज कि इस हवाले से अब हमारे पूरे जो शो में हम टॉप स्टोरीज और तमाम टॉप ट्रेंड्स को डिस्कस किया करेंगे. क्या हो रहा है मुल्क में, सियासी मामला क्या चल रहे हैं, वो तमाम चीजें हम डिस्कस करेंगे. और अगर बात करें आज की और टॉप ट्रेंड्स की बात करें तो डेफिनेटली टॉप ट्रेंड जो है बकरीद में बारिश था और बकरीद के बाद आलाइशें, ताफुन, सेहत, सफाई और ये तमाम चीजें जो है अब एक मम्मा बनी हुई है और सिंध गवर्नमेंट के लिए भी एक बड़ा चैलेंज है. अगर सिंध गवर्नमेंट की बात की जाए तो सिंध गवर्नमेंट कहती है जी हमने बल्दियाती इदारों को फंड्स तो दिए हैं, फिर बल्दियाती इदारे कहते हैं हमारे पास तो फंड ही नहीं है, फिर बल्दियाती इदारे अपने रिसोर्सेज के तौर पर शहर की सफाई सुथराई का काम क्यों नहीं अंजाम देते. जब बारिश हो रही थी तो हम यही महकमा है मौसमियात को कह रहे थे कि जी आपने खबर तो दी थी कि अलर्ट जारी कर दिया गया है, लेकिन इंतजामिया ने क्या इंतजाम किए. बकरीद के दिनों में मवेशी मंडी में व्यापारियों का बुरा हाल था, खरीदारों का बुरा हाल था. बकरीद के दिन सब लोग यही सोच रहे थे कि जी पानी कैसे खत्म किया जाए, कोई अपनी कुर्बानी दूसरे दिन कर रहा था, कोई तीसरे दिन कर रहा था, इस इंतजार में कि इंतजामिया आएगी और ये गंदगी साफ करेगी और तरीके से कुर्बानी होगी. फिर कुर्बानी का सिलसिला शुरू हुआ तो जगह जगह हम देखते हैं कि आलाइशें पड़ी हुई हैं, ताफुन फैला हुआ है और अगर किसी जगह से सड़कों से साफ भी कर दी गई है, मेन रोड को साफ भी कर दिया गया है तो हाल ये है कि कूड़ा करकट जहां पर कूड़ादान होते हैं वहां पर प्रॉपर आलाइशें पड़ी हुई हैं. तो इसी हवाले से आज हम ओवरऑल बात करेंगे, इसी हवाले से हम आज ये जानने की कोशिश करेंगे कि भाई कराची शहर आखिर किसके मरूने मिन्नत है, क्या ये सिंध गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, अगर है तो सिंध गवर्नमेंट काम क्यों नहीं करती है, छुट्टियां क्यों मना रही है और अगर बल्दियाती इदारों को फंड्स मिल रहे हैं तो फिर किस चीज की प्रॉब्लम है कि वो काम तरीके से नहीं कर पाते हैं, चाइना कंपनी को भी ठेके दे दिए गए हैं, तो ये तमाम लोग मिलकर कराची को साफ क्यों नहीं कर पा रहे हैं, वो भी ईद के इतने बड़े मौके पर जहां हजारों की तादाद में जानवरों की कुर्बानी की गई है. बिल्कुल जनाब, जहां ईद कुर्बान आई है वहीं पर कराची के लिए एक नया अजाब भी आ गया है. जब भी कोई रहमत की बात होती है, जब भी कोई खुशियों की बात होती है तो कराची वालों के लिए एक बड़ा ही सन्नाटा से छा जाता है उन मामलात में जिनमें वो कुछ कर नहीं सकते, जिनमें वो बेबस दिखाई देते हैं. उनमें से एक मामला हमने पिछले दिनों देखा कि बारिश हुई तो बारिश के बाद कराची का हाल कुछ ऐसा था कि तालाब का मंजर पेश कर रहा था. दूसरी जानिब हमने देखा कि जब ये ईद कुर्बान हुई तो उसके बाद आलाइशों का सिलसिला इतना ज्यादा था कि लोगों का निकलना महाल हो गया. और वैसे भी जनाब चार छुट्टियों के बाद अब जाके वो मौका आया है कि जब लोग वापस अपने स्कूल कॉलेजेस दफातर जाना शुरू हुए हैं और ये वो मौका है कि जब लोगों ने अपने वापस कामों पर जाना है और सड़कों पर गम मचा हुआ है, जगह जगह पर आलाइशें हैं. अभी पिछले दिनों में देख रही थी कि जब मेयर कराची ने मीडिया से गुफ्तगू की थी तो उनका ये कहना था कि जी हम लोग प्रॉपरली प्रिपेयर्ड हैं, मैंने सबको बता दिया है, आवाम से भी रिक्वेस्ट की गई थी कि इन तमाम चीजों की सफाई का ख्याल रखें. और वैसे भी हमारे इस्लाम में भी है कि जनाब सफाई निस्फ ईमान है, तो फिर पता नहीं क्यों हम सफाई से इतना भागते हैं और इन तमाम चीजों के फराइज को तो अंजाम देते हैं लेकिन जो निस ईमान है उसको कहीं पीछे छोड़ जाते हैं. तो सफाई सुथराई के हवाले से हमने पूरे ओवरऑल कराची में देखा कि कोई खासे इंतजाम नहीं किए गए थे, तमाम तर धावे जो है वो धरे के धरे रह गए थे और कहा गया था कि जी हमने एक नंबर भी अलर्ट जो है वो जारी किया है, लोगों को बताया है कि इस नंबर पर आप कॉल करके अपनी आलाइश उठवा सकते हैं. तो वो नंबर भी समवेयर लोगों की कंप्लेन आ रही थी कि वो नंबर भी काम नहीं कर रहे थे. फिर दूसरी तरफ हमने देखा कि गाड़ियां जो आनी थी आलाइश उठाने के लिए, बहुत से ऐसे एरियाज हैं जो
चौथा दिन आने के बाद भी अभी तक वहां पर आलाइशें पड़ी हुई हैं। तो सफाई सुथराई के क्या अहवाल हैं, ये मुख्तलिफ शहरों से भी हम जानेंगे, कहां कहां पर ईद की छुट्टियां खत्म हुई हैं और वापस लोगों ने स्कूल जाने शुरू किया है, तो बच्चों के चेहरे पे एक्साइटमेंट किस तरह की, ऑब्वियसली अपने तमाम जानवरों को कुर्बान करने के बाद बच्चे दुखी हो रहे थे, लेकिन मेरा ख्याल है कि आज स्कूल जाके अपनी तमाम तरह पिक्चर्स और बातें जो है वो अपने स्कूल में बच्चों के साथ जरूर शेयर करेंगे। तो आज इन्हीं सब तमाम चीजों पर बातचीत भी करेंगे और बात करेंगे हम जनाब कराची की खसूसी तौर पर, जहां पर हमने देखा कि रहमत जो है वो जहमत बन गई और किस तरह से मुल्क में जो है वो इस वक्त ईद कुर्बान मनाई गई, इन तमाम चीजों पर बातचीत करेंगे। लेकिन यहां पर सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। चलें जी न्यूज हेडलाइंस, और जंग जो है वो मेरे पास है एज यूजुअल, और जंग में जो मेन लीड है वो क्या है जनाब, वो है चीन, रूस, भारत, ब्राजील और जनूबी अफ्रीका पाकिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ मुत्तफिक। चलें देर आयत दुरुस्त आयत, बीजिंग में ब्रिक्स इजलास, तालिबान लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद, दाश और अकानी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा, दहशतगर्द कार्रवाईयों का इर्तकाब, इंतजाम या मदद करने के जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए, आलमी इंसदाद दहशतगर्दी इत्तेहाद कायम और जदोजहद बैन अल-अक़वामी कानून के मुताबिक बनाया जाए, मुश्तरका इलामिया जारी किया गया है। और इसमें मजीद लिखा है कि अफगानिस्तान में फौरी तौर पर जंगबंदी की जरूरत है, शुमाली कोरिया के जौहरी मिजाइल तजर्बे की मजम्मत करते हैं, जौहरी मसले को मुज़ाकरात के जरिए हल किया जाना चाहिए। तो ये इंटरनेशनली तौर पर जो एक खबर है शुमाली कोरिया के हवाले से, जिसने तहलका मचा के रखा ईद के दिनों में, दो दिन से मैं सुन रही थी कि जी शुमाली कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल का तजर्बा किया है, उस हवाले से जितने भी अहम तरीन ममालिक हैं उनके जो सरबराह खासतौर से ट्रंप और जनूबी कोरिया के हमनसब वो सर जोड़कर बैठ गए, उन्होंने हिकमत अमली तय करने का सोचा है। और साथ साथ अमेरिकन सफीर जो है उन्होंने भी UNO में कहा है कि जी बस अब बहुत हो गया, अमेरिका चाहता है अमन की बात करना चाहता है, लेकिन जी अब शुमाली कोरिया ने जो बैलिस्टिक मिसाइल बनाया है, जो इन्होंने ये काम किया है, के बाद अब सख्त किस्म का स्टांस लिया जाएगा और इनके खिलाफ सख्त किस्म की कार्रवाई की जाएगी। तो उसी वाले से यहाँ पर एक खबर है जिसको जंग ने अपनी मेन लीड का हिस्सा बनाया हुआ है। बिल्कुल जनाब, और इस तमाम सूरत हाल के बाद हम देख रहे हैं कि ट्रंप की जानिब से बयान भी सामने आ रहा है कि शुमाली कोरिया के जो तमाम तर इत्तेहादी हैं जो उससे तजारत रखते हैं, इसका सबसे बड़ा एहतजाज का तरीका यह है कि आप उन तमाम लोगों से तजारत खत्म कर दें। तो इसमें हम देख रहे हैं कि ताल्लुकात ना सिर्फ अमेरिका और जनूबी कोरिया के खराब हो रहे हैं बल्कि अमेरिका और चीन के भी के दरमियान भी हम देख रहे हैं कि फासले बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो काफी पेचीदा सी सूरत हाल है जिसके लिए अब हम देख रहे हैं कि एक तरफ जनूबी कोरिया के अंदर दिफाई सिस्टम भी नष्ट किया गया है अमेरिका की जानिब से, जिसकी वजह से मजीद फासले बढ़ रहे हैं। और दोनों ममालिक, हम अगर जिक्र करें अमरीका और शुमाली कोरिया और अमरीका और चीन, दोनों के दरमियान इस वक्त फासले बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो मेन आज की खबर है और एक्सप्रेस रोजनामा में जिसको मेन लीड बनाया गया है वो खबर है ब्रिक्स इजलास के हवाले से। आपको बताएं कि यहां पर खबर भी मेंशन है हवाले से कि दुनिया की 5 उभरती हुई मईशतों की तंजीम ब्रिक्स ने पहली मर्तबा अपने एलामिये में पाकिस्तान में पाई जाने वाली शिद्दत पसंद तंजीमों लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद का जिक्र किया है। ब्रिक्स के अरकान में भारत, चीन, ब्राजील, रूस, जनूबी अफ्रीका भी शामिल हैं। बड़ी ही हैरत की बात है कि जनाब चीन के अंदर ये इजलास हुआ और पहली मर्तबा पाकिस्तान में जो तमाम तर इस तरह के लश्कर थे उनके नाम इसमें सामने आए हैं। और भारत ने भी एक तरफ हम देख रहे हैं कि चीन को भी राम राम करना सिखा दिया है, और पाकिस्तान की जानिब से बड़े अफसोस की बात है कि अभी तक इसके ऊपर कोई स्टैंड सामने नहीं आया है, पाकिस्तान ने कोई जवाब जो है वो अपनी हिकमत अमली जो है इस हवाले से तैयार नहीं की है, जबकि ये दोनों तो बातें तय है कि जैश मोहम्मद हो या लश्कर तैयबा हो, ये दोनों ऐसी जमातें हैं जिनके बारे में भारत को काफी ज्यादा तश्वीश थी, क्योंकि इनमें से एक जमात जो है वो मुंबई हमलों में थी जबकि दूसरी हमने देखा कि भारत में असेंबली के ऊपर जिसने हमला किया था। तो ये दोनों जमातें जो हैं वो काफी अहम तसव्वुर की जा रही हैं जिनके नाम अब हमने देखे हैं कि ब्रिक्स के एलामी में भी सामने आ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से अभी तक इस पर कोई मौकफ नहीं इख्तियार किया गया। जी हाँ बिल्कुल। अच्छा एक और खबर है जिसमें जो कराची हमले के हवाले से हमने देखा कि ईद के ही दिनों के ही रोज जो है MKM पाकिस्तान के रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन पर हमला हुआ, उस हवाले से यहाँ पर खबर है कि कराची बड़ा दहशत ग्रुप बेनकाब, फौज पुलिस मलाला पर हमले का मुलजिम, मुल्ला फजल्ला के कजन समेत 4 मारे गए, अपोजिशन लीडर सिंध पर हमले का मुलजिम फरार। और साथ साथ यहाँ पर जो एक और खबर है इसी के नीचे जो खबर लगाई गई है वो ये है कि फरार दहशतगर्द ख्वाजा इजहार पर हमले का मास्टरमाइंड और ग्रुप इंसार अल शरिया से था, जामा कराची के तलबा पर मुश्तमिल ग्रोह का सुराग लगाया गया, पुलिस अहलकारों के कत्ल में भी मुलविस है, ऐसा कहते हैं SSP मलीर। अच्छा जामा कराची से जो है इस शख्स का ताल्लुक निकला है जिसके ऊपर वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा जी जामियात की अब प्रॉपर हिकमत अमली बनाई जाएगी, इन्वेस्टिगेशन की जाएगी कि जामियात में किस तरीके के जो है वो ग्रो मुलविस हैं। तो डेफिनेटली ये काम
का ये काम इंतजामिया का है कि जब आप किसी का एडमिशन लेते हैं तो साथ साथ जहां आप उसकी काबिलियत, आप उसकी मेरिट, आप उसकी जितनी भी प्रोफाइल चेक करते हैं, साथ साथ आप उसका आईक्यू लेवल और मेंटल कैलिबर भी चेक करें कि वो किस एरिया से आया है, वो किस एरिया से बिलोंग करता है, उसकी जो साइकोलॉजी है वो किस तरह की है. तो डेफिनेटली उससे बड़ा असर पड़ेगा क्योंकि अहम जामियात होती हैं जहाँ पर इस तरह के ग्रोह का काम करना इंतहाई खतरनाक साबित हो सकता है वहाँ के तलबा के लिए भी, टीचर्स के लिए भी और उस शहर के लोगों के लिए भी. जी और जनाब अफसोस की बात यह है कि ये इंतहाई आला तालीम याफ्ता दहशतगर्द निकले हैं. मतलब मुझे बड़ी हैरत हो रही थी कि आसान नामी एक इंजीनियर था जो दहशतगर्द जिसको गिरफ्तार किया गया है, जबकि दूसरा बंदा जो था वो भी कहा जा रहा है कि फिजिक्स का तालिब इल्म था. तो इंतहाई अफसोस की बात है कि इतने पढ़े लिखे नौजवान होकर इस तरह की कार्रवाइयों में किस तरह से मुलविस हो जाते हैं. तो डेफिनेटली इन तमाम चीज़ों का चेक एंड बैलेंस रखना बड़ा ज़रूरी है. जब आप एडमिशन दे रहे हो आपको वाकई में उन बच्चों के बैकग्राउंड के बारे में पता होना चाहिए, उनकी सोच के बारे में पता होना चाहिए. इन तमाम चीज़ों के ऊपर भी वर्कआउट करना बड़ा जरूरी है, माइंडसेट के ऊपर वर्कआउट करना बड़ा जरूरी है कि वो किस तरीके से बिहेव करते हैं, कितने वो काइंड है कितने नहीं है, वो क्या सोचते हैं अपनी सिटी की सिचुएशन पे. अच्छा बिल्कुल जनाब, आगे कुछ और खबरें भी हैं जो हम शामिल करेंगे. और आप सब जानते हैं कि रोहिंग्या मुसलमानों के साथ किस कदर मेरा ख्याल जुर्म की दास्तानें रकम हो चुकी हैं. और कुछ ऐसी वीडियोस भी मैं देख रही थी कि फेसबुक पर आ चुकी हैं कि मेरा तो सबा ईमान से दिल नहीं मानता कि मैं ऐसी वीडियोस देखूं भी. तो जहां पर इस तरह का जुर्म हो रहा है, पता नहीं किस तरह से कैसी मुस्लिम बरादरी है कि खामोश बैठी हुई है. लेकिन अब हम देख रहे हैं कि इस हवाले से इस वक्त बर्मा में जो है वो जुर्म जुजारी है. वीडियोज तो वायरल हो ही रही है लेकिन पाकिस्तान की जानिब से भी अब कहा जा रहा है, मुतालबा किया जा रहा है कि जनाब इस किस्म की बर्बरियत को रोका जाए. और अब हम देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ ने भी जो है वो तहरीक अल्तवा जमा करवाई है असेंबली में. और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि अब इस तमाम चीज को बहस में लेकर आया जाए और फाइनली इसके लिए कोई हिकमत अमली जो है वो प्रॉपरली तैयार की. बिल्कुल, रोहिंग्या मुसलमानों के हवाले से तो जिस दिन मैं न्यूज पर भी थी, न्यूज स्टूडियो में भी थी, उस दिन मैं बल्कि अपने पेज से अपने फैन से लाइव भी गई थी और मैंने यही कहा था कि जी रोहिंग्या मुसलमानों के साथ मिलकर आवाज खड़ी करनी चाहिए क्योंकि अब ये मामला बहुत ज्यादा आगे बढ़ गया है. बिल्कुल, जुर्म की इंतहा हो चुकी है. और इसी हवाले से जो है ओआईसी के जो रुकन है जद्दा से भी आवाज उठाई गई है कि जी इस मामले को खत्म किया जाए और ओआईसी को मजीद झंझोड़ने का क्या तरीका है कि ये किसी तरीके से जागे और किसी तरीके से ये मामला खत्म हो. क्योंकि आप देखें कि कितने ज्यादा जो रोहिंग्या मुस्लिम है वो हिजरत करके बांग्लादेश पहुंच चुके हैं, उनके साथ उनकी नस्ल कुशी की जा रही है, उनके साथ इंतहाई बर्बरियत का सलूक किया जा रहा है, बच्चों को मारा जा रहा है, औरतों को मारा जा रहा है, लोग वहां पर भूखे हैं. तो मेरे ख्याल में और साथ साथ एक और बड़ी नेगेटिव चीज जो मैं पढ़ रही थी वो ये थी कि जी मीडिया को भी आगे जाने नहीं दिया जा रहा, मीडिया को भी रिपोर्टिंग के लिए सही तौर पे नहीं बताया जा रहा कि वो आगे जाएं और इस हवाले से दुनिया को बताएं. लेकिन फिर भी वो कितना भी इस खबर को छुपा लें, कितना भी दबा लें, ये खबर सामने आनी है क्योंकि आखिर ये हजारों लाखों मुसलमानों का मामला है. तो रोहिंग्या के मसले पे तमाम मुस्लिम जितनी भी हमारी बरादरी है चाहे वो किसी भी मसले से ताल्लुक रखती है, डेफिनेटली उनको उठ खड़े होना चाहिए और इंडिविजुअली भी इसके ऊपर काम करना चाहिए. और ट्विटर ट्रेंड के हवाले से भी रोहिंग्या मुसलमानों का जो ट्रेंड है वो टॉप ट्रेंड रहा. बिल्कुल सबा, और आप भी एक यहाँ पर खबर में जरूर अपने नाज़रीन के साथ शेयर करना चाहूंगी. जो बर्मा की वजीरे खारजा हैं उनको अमन के लिए नोबेल प्राइज भी मिला है और इस वक्त तमाम जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो ये डिमांड कर रही है कि आप ये नोबेल प्राइज को वापस करें क्योंकि आप इसकी कतई तौर पर हकदार नहीं है. क्योंकि आप ही के मुल्क के अंदर जिस तरह से ये जुल्म की दास्तानें रकम हो रही है उसके बाद आपके पास ये नोबेल प्राइज होना नहीं चाहिए. तो वो अभी भी वहां पर वजीरे खारजा है और उनको अमन के लिए नोबेल प्राइज मिला, ये आप लोगों को आंग सांग सूची ने जो है वो आंखें कुछ बंद करके रखी हुई है, उनको आंखें खोल के देखने की जरूरत है कि हो क्या रहा है. एग्जैक्टली. अच्छा जो खबर है शॉर्ट न्यूज है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि करप्ट मालिक की फेहरिस्त में भारत पहले और पाकिस्तान चौथे नंबर पर है. दिस इज वेरी सैड. मतलब करप्ट मालिक की फेहरिस्त में हम लोग चौथे नंबर पर हैं. और एक और खबर है कि शहबाज शरीफ आज लंदन रवाना हो गए हैं और ईरानी हुकाम ने 73 पाकिस्तानी बाशिंदे तफ्तान इंतजामिया के हवाले कर दिए हैं. और अमेरिका से खबर है कि समंदर तूफान हार्वी के मुतासरीन के लिए मसाजिद महफूज पनागाहें बन गई हैं. तो देखें जी, जहां मुसलमानों को आप इतना टारगेट करते हैं, जहां मुसलमानों के खिलाफ इतनी कैंपेन चलाई जाती है, वही मुसलमान आपके जो हार्वी से मुतासरीन है उनकी मदद कर रहे हैं. तो ये बड़ी तूफान का जिक्र कर रही है सबक. एक और अब कहा जा रहा है कि अमरीका रियासत में तूफान आने वाला है जिसका नाम इरमा बताया जा रहा है. और अब देखें कि ये इस तूफान के बारे में कहा जा रहा है कि स्टेट फ्लोरिडा, आई गेस फ्लोरिडा ही इनफेक्ट, वहां पर जो है वो ये तूफान आएगा. तो इलाके को क्लियर कराने के लिए भी तैयारी शुरू कर दी गई है, अलर्ट भी जारी कर दिया गया है. कुछ छोटी खबरें आपके साथ शामिल कर रहे हैं रोहिंग्या मुसलमानों की नस्ल कुशी के हवाले से ही कि पाकिस्तान, तुर्की, बरतानिया ने भी शदीद मजम्मत की है, अक़वामे मुत्तहिदा ने भी इसकी शदीद मजम्मत की है और कई मुल्कों में जो है वो इस हवाले से मुजाहरे भी किए जा रहे हैं. जबकि मलाला यूसुफ़ज़ई का भी
भी बयान सामने आ रहा है कि रोहिंग्या मुसलमानों पर मुजालिम बंद किए जाएं, पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक जो हैं वो इन तमाम लोगों को पनाह जरूर दें। अच्छा जनाब, कुछ बातें जो हैं वो मजीद भी हम इस हवाले से करेंगे, लेकिन अब मेरा ख्याल है बढ़ेंगे हम मुख्तलिफ शहरों की जानिब। मुख्तलिफ शहरों की जानिब बढ़ने से पहले मैं डॉन की एक खबर रीड कर दूं, जो कि है कॉशियस पाकिस्तानी रिस्पॉन्स टू गनी स्टॉक ऑफर और काबुल रिमाइंडेड बोथ कंट्रीज आर पार्ट ऑफ सेवरल प्रोसेस दैट कैन बी यूज टू इम्प्रूव टाइज। तो जनाब ये खबरें, और खबरें तो बहुत सारी खबरें, एक फैसलाबाद से भी खबर थी जो कि हम शेयर करेंगे बीच में। सारी खबरें जो है वो आपको शॉर्ट नोट्स पे बता दे ताकि आप अपडेट भी रहें और आप तक इन्फॉर्मेशन भी पहुंचे। तो लाहौर का रुख करेंगे और जानेंगे हुमा बट से कि ईद की छुट्टियां तो खत्म हो चुकी हैं, मौसम कैसा है और बच्चे कुछ नाराज होंगे, स्कूल खुल गए हैं और साथ साथ शहरियों का जोश जज्बा कैसा है, कितने तिक्के बन रहे हैं, कितने बारबेक्यू होने वाले हैं इस वीकेंड पे। जी हुमा बट अपडेट कीजिए, गुड मॉर्निंग, आज ईद मुबारक। आज और खैर मुबारक आप सबको भी, बहुत 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 ईद मुबारक। लेकिन छुट्टियां तो ख़त्म हो गई, अब बच्चे जो हैं वो तो स्कूलों में जा चुके हैं इस वक्त, चाहे आंखें मलते मलते गए हैं, चाहे नाराज़ हैं, लेकिन जाना तो पड़ेगा। हाजिरी कम है लेकिन उसके बावजूद आज पढ़ाई का आगाज़ कर दिया गया है और वर्किंग डे भी शुरू हो चुका हुआ है, दफातर भी खुल चुके हुए हैं। टिक्का पोटी जो है वही की नन की जाएगी, पार्टी होगी सैटरडे संडे, लेकिन फिलहाल अभी तो सिर्फ मेन काम जो है वो तो वर्किंग डे है और काम का आगाज़ है, तो उसके ऊपर ज्यादा फोकस किया जाएगा। टिक्का बोटी के बारे में तो यकीनन फ्राइडे को ही सोचा जाएगा। और अगर हम लोग जिक्र करें आज के दिन के बारे में और आज की एक्टिविटीज के बारे में, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही होगा कि आज क्योंकि कल्सूम नवाज जो बीमार हैं और उनके लिए वहां पर तमाम फैमिली जो है, नवाज शरीफ की फैमिली जो है वो इस वक्त वहां पर मौजूद है, तो आज सीएम पंजाब जो है वो भी वहां पर रवाना हो रहे हैं, उनकी इयादत करेंगे और आज 11 बजे के करीब आज उनकी फ्लाइट है जो वहां पर पहुंचेंगे और फिर उनकी इयादत होगी। और इसके अलावा अगर जिक्र किया जाए डॉक्टर ताहिरुल कादरी का, तो ये ज़रूरी है क्योंकि डॉक्टर ताहिरुल कादरी जो है उन्होंने यहाँ पर आज लाहौर में ही अपनी ईद गुजारी है, तो ईद पर अपने सेलिब्रेशंस के बाद अब वो आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और यकीनन जो NA 120 है और इसके अलावा मजीद जो लाए अमल है सियासी, उसके बारे में आज बयान किया जाएगा। इसके अलावा अगर जिक्र किया जाए यहाँ पर NA 120 का, तो वो ज़रूरी भी है, वो इस वजह से भी ज़रूरी है क्योंकि NA 120 में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की जो सीट थी वो खाली हुई है और उस पर दो उम्मीदवार जो हैं इस वक्त मौजूद हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और वो हैं कल्सूम नवाज और दूसरी तरफ हैं जी डॉक्टर यास्मीन राशिद। तो उनकी डोर टू डोर कैंपेन जो है वो भी जारी है, मीटिंग्स भी हो रही हैं, कल भी जो छुट्टी का दिन भी उन्होंने आराम नहीं किया बल्कि डोर टू डोर कैंपेन में गुजारा है, तो आज भी वही कैंपेन्स जो है वो जारी रहेंगी। तो ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रही थी, डोर टू डोर कैंपेन्स हो रही है। जनाब ने देखा कि ईद के मौके पर भी तमाम जो सियासतदान थे उनकी एक्टिविटीज अपनी वहीं पर थी और सियासी तौर पर जो है वो काफी एक्टिव दिखाई दिया। आगे बढ़ते हैं जनाब, और ईद उल अज़हा की तातीलात के बाद आज हम देख रहे हैं कि शहर के सरकारी और निजी स्कूल जो हैं और चाहे दफातर हो सभी खुल चुके हैं। मजीद तफसीलात जान लेते हैं कफीर अहमद से। जी कफीर, बताएगा कुछ ऐसे स्कूल भी हैं जो आज के दिन नहीं खुले हैं, जहां पर आज भी छुट्टी दे दी गई है? देखिए आपको बताएंगे, चार रोज के बाद जो है सिंध समेत कराची के तमाम स्कूल जो है वो आज खोल दिए गए हैं सरकारी व निजी। हुकूमत सिंध की जाने से अगर देखा जाए तो एक रोज कबल ही बारिशों के बाद जो है वो कराची भर में और सिंध भर में स्कूल जो है वो बंद कर दिए गए थे जुमेरात को, और जो है वो गवर्नमेंट ने जो है वो इतलात के लिए जुमे से पीर तक जो है वो बाकायदा अनाउंस किया था। तो आज जब बच्चे पहुंचे हैं तो उनके जो चेहरे थे वो खासे मुरझाए हुए थे, जब उनसे हमने बात की तो उनका कहना ये था कि जो है वो भरपूर जो है वो ईद पर इंजॉय किया और जो है वो बहुत मजे किए। तहम आज जो है वो स्कूलों के साथ तमाम जो सरकारी इदारे हैं वो भी खुल गए और जो तमाम जो अफसरान हैं वो पहुंच चुके हैं। ठीक है कफील अहमद, अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और डेफिनेटली आज चौथा रोज है, स्कूल कॉलेजेस खुल गए हैं, वर्किंग डे है, तो कुछ सुस्ती तो आनी है। गुड मॉर्निंग, आज मैं कुछ मजीद न्यूज स्टोरीज भी आपको बताते चलते हैं, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे ईद की छुट्टियाँ खत्म हुई, आज से निजी और सरकारी दफातर और तमाम तालीमी इदारे खुल चुके हैं। लेकिन ईद का जो तीसरा रोज था, इस दिन शहरियों ने तफरी का मौका हाथ से जाने नहीं दिया और भरपूर इंजॉय किया। आपको बताएं कि दिन भर पार्क में मौज मस्ती और हल्ला गुल्ला के बाद फूड स्ट्रीट पहुंचे और तरह तरह के मनपसंद लजीज चटपटे पकवानों पर हाथ साफ किए। किसी ने मटन कढ़ाई का ऑर्डर दिया तो किसी ने सीख कबाब का, पुलाव और चिकन कढ़ाई को भी दस्तरखान की जीनत बनाया गया। और ये तमाम खानों के नाम सुन के जो है इस वक्त एपेटाइट इंक्रीज हो रही है और मुंह में पानी आ रहा है। वाह जी क्या बात है, बड़ी ईद की।
वेल मैंने भी मटन कढ़ाई बनाया था, बहुत ही मजेदार बना। और ईद का मौका हो जनाब और बारबी की पार्टी ना हो ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। पेशावर में नन्हे मुन्ने बच्चों ने बड़ों के लिए अपने मोहल्ले में बारबेक्यू पार्टी का एहतमाम किया। बच्चों की टिक्का पार्टी से मोहल्ला फूड स्ट्रीट में तब्दील हो गया। इस मौका पर पश्तो मौसीकी की धुनों ने भी समा बांध दिया। बच्चों की जानिब से सजाई गई इस बारबेक्यू की महफिल में मेहमानों ने दिल खोल कर एंजॉय किया। क्या बात है जी। और ये बच्चा जिस तरीके से डांस कर रहा था, इस तरह का डांस तो मैंने शादियों में बच्चों को करते हुए नहीं देखा। क्या खुशी है बड़ी। खैर आगे बढ़ते हैं और एक अफसोसनाक खबर भी शामिल करते हैं। और ये खबर है पंजगोर से, जहां एफसी के काफिले पर हमले के नतीजे में लेफ्टिनेंट कर्नल समेत 3 अहलकार शहीद हो गए, जबकि 1 कर्नल और 2 अहलकार जख्मी हुए। एफसी का काफिला गचक से वापस आ रहा था कि मुर्गाब कोर के करीब शरपसंदों ने हमला कर दिया। हमले में विंग कमांडर 59 विंग लेफ्टिनेंट कर्नल आमिर सुब्रिनेंडेंट इरफान और लॉन्स नायक मकसूद शहीद हुए, जबकि कर्नल शजीउल्लाह हवलदार सऊद और सिपाही अताउर रहमान जख्मी हो गए हैं, जिस पर सुबाई वजीर सनाउल्ला जहरी ने इंतहाई अफसोस का और रंजो गम का इजहार किया है। और अकबर भुट्टी का भी उनके हवाले से यही कहना है कि जी इंतहाई मजम्मत करते हैं इस हमले की, किस तरीके से हमारे फोर्सेस के जवानों को जो है वो निशाना बनाते हैं, किस तरीके से हमारे जवान ईद के दिनों में भी किस तरीके से हमारी सिक्योरिटी के लिए लड़े होते हैं। तो पाक फौज के जवानों को सलाम। गुड मॉर्निंग आज के प्लेटफॉर्म से बिल्कुल जनाब, उनको सलाम भी हम पेश करना चाहेंगे। और जहां पर कुछ इस तरह की अफसोसनाक खबरें आई थी, वहीं कुछ अच्छी खबर रही थी। ईद के मौके पर ही हमने देखा कि पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को एक बार फिर से एक धक्का मिला और 2 अहम और बड़ी जबरदस्ती मूवीज जो है वो पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री ने आगे लेकर आया है। उनमें से एक तो है पंजाब नहीं जाऊंगी और दूसरा है नामालूम अफरा। बिल्कुल, और दोनों मूवीज के बारे में जबरदस्त फीडबैक आ रहा है और अभी तक एक भी टिकट नहीं मिली मुझे। चले जी, गुड मॉर्निंग आज में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, जिसके बाद शामिल करेंगे। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। और अब कुछ बात कर लेते हैं यस्टरडे टॉप स्टोरी के हवाले से। आपको बताएं कि मुत्तहिदा पाकिस्तान के रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन पर हमले में आला तालीम याफ्ता दहशतगर्द मुलव्वस निकले। मौके पर मारे जाने वाले इंजीनियर हसन के बाद दूसरा हमला आमर भी जामे अप्लाइड फिजिक्स का तालिब इल्म निकला। मुजरिम कराची में पुलिस रेड के दौरान जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया। कराची में एक बार फिर दहशतगर्दी का खौफनाक चेहरा सामने आया है। ये दहशतगर्द कोई जराइम पेशा अफराद या मुनशियात फरोश नहीं, बल्कि आला तालीम याफ्ता हैं। मुत्तहिदा पाकिस्तान के रहनुमा पर हमले की तहकीकात में चश्मकुशा इनकशाफात हुए हैं। मोबाइल फोन से बनाई गई ये वीडियो वकुआ के रोज की है। मोटरसाइकिल पर सफेद कपड़ों में मलबूस इस दहशतगर्द का नाम अब्दुल करीम सरोज सिद्दीकी है, जो जामे कराची के शोबे अप्लाइड फिजिक्स का तालिबे इल्म है। मुलसिम ने गुज़िश्ता रोज ट्वीट में अंसारुल शरिया की तरफ से ख्वाजा इजहार पर हमले की जिम्मेदारी कबूल की थी, जिसके बाद यहां से शुरू हुआ तहकीकात का नया मरहला। तफ्तीशी इदारों ने इंटरनेट आईपी का खोज लगाया और मुलजिम के कनीस फातिमा सोसाइटी में वाके घर पर छापा मारा। पुलिस के पहुंचते ही घर से फायरिंग कर दी गई। फायरिंग से कांस्टेबल एजाज जख्मी हुआ, जो अस्पताल जाते हुए शहीद हो गया। पुलिस की जवाबी फायरिंग में ख्वाजा इजहार पर हमले का दूसरा मुलजिम यानी अब्दुल करीम सरोज सिद्दीकी जख्मी हुआ, ताहम फरार हो गया। पुलिस ने ताकुब जारी रखा। मुलजिम के वालिद सज्जाद सिद्दीकी को हिरासत में लेकर छापों का सिलसिला शुरू किया गया। डिफेंस से कलदम तंजीम का कमांडर पकड़ा गया। छापे सच्चल और सुपर हाईवे पर भी मारे गए, जिसके दौरान मुतादिद अफराद गिरफ्तार किए गए। ख्वाजा इजहार पर हमले का पहला मुलजिम हसन भी आला तालीम याफ्ता इंजीनियर था। मुलजिम का वालिद इसरार भी लेक्चरार है, जो अपने दूसरे बेटे समेत इस वक्त पुलिस हिरासत में है और दोनों से तफ्तीश जारी है। और अब अखबारात में आज कौन कौन से मौजूद जेर बहस हैं, जेर गौर हैं, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर स्टूडियो से अनवार हाशमी साहब। अस्सलाम वालेकुम अनवार साहब, एंड गुज़िश्ता ईद मुबारक। अभी तो ईद चल रही है यार, चौदह दिन आ चुका है अब तो। बिल्कुल जी। अच्छा, क्या हाल चाल है, कैसी ईद गुजरी आपकी अनवार साहब? ईद बड़ी अच्छी गुजरी है पुरअमन तौर पे। शहरियों की ईद भी बहुत अच्छी गुजरी है, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस ने सिक्योरिटी मामलात को कंट्रोल किया हुआ था। बिल्कुल, तो शहरियों ने खूब एंजॉय किया। तो बकरे सस्ते मिल गए थे आपको? बकरे सस्ते कभी नहीं मिला करते, आप भी याद रखें। exactly. ना आपको मिले होंगे ना मुझे मिले हैं, लेकिन एक सुन्नत इब्राहिमी पूरी करनी है तो हर सूरत चलिए जनाब एडिटोरियल्स की जानिब बढ़ते हैं। और कॉलम्स में या आर्टिकल्स में जो भी कुछ आज इंटरेस्टिंग है या कोई भी मौजूद जो आप समझते हैं कि आज उन पर बात करनी चाहिए, जरूर डिस्कस कीजिए।
जी बिल्कुल, हमारी ख्वाहिश तो जरूर थी कि आज भी ईद पे बातें होती, लेकिन बर्मा के मुसलमानों का अलमिया इतना बड़ा है कि अखबारात भी उसको मिस नहीं कर सके। आप भी देख रही हैं, अखबारात पढ़ रही थी अभी थोड़ी देर पहले और बर्मा की बात कर रही थी। टीवी चैनल्स भी अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं और सोशल मीडिया भी। बुनियादी तौर पर बर्मा जो है एक छोटा सा जो मुल्क है, ये बड़े सगीर में पाकिस्तान बनने से पहले भी इसको काला पानी कहा जाता था, जहाँ पे जो ब्रिटिश रूलर्स थे वो जब किसी को सजा देते थे तो दूर दराज इन इलाकों में और इनके समंदरों में जो है उनको कैद कर दिया जाता था। तो आज जो पूरी दुनिया ने ये इतराफ किया है कि इस वक्त पूरी दुनिया में बदतरीन जगह मुसलमानों के लिए जो है वो बर्मा है। अब बर्मा में लेकिन इसकी डिटेल या इसका बैकग्राउंड हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन जो अखबारात ने बयान किया है कि तमाम ओवरऑल पूरी दुनिया खासतौर पे मुस्लिम दुनिया के लिए ये बहुत ही अफसोसनाक बात है कि इसके लिए अब टाइम नहीं बचा कि जितने हजारों मुसलमानों को बेदर्दी से उन्होंने कत्ल किया, उनकी नस्ल कशी की है और मजालिम की इंतहा डाली है, तो पूरी दुनिया का किरदार जो है वो बहुत ही खामोश रहा है, बहुत स्लो रहा है। आज भी पब्लिक ने सोशल मीडिया के जरिए पूरी दुनिया में खासतौर पर पाकिस्तान में इस इशू को इतना हाईलाइट किया है कि अब आहिस्ता आहिस्ता हुक्मरान और मुख्तलिफ ताकतें इसका नोटिस लेने पर अभी उन्होंने स्टार्ट किया है। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप रोहिंग्या मुसलमानों के हवाले से। सोशल मीडिया की अगर बात की जाए तो सोशल मीडिया पर तो ये ट्रेंड भी चल रहा है कि जी पाक फौज को वहां पर भेज दिया जाए, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं आपसे पूछूं कि इंटरनेशनल प्रेशर कितना काउंट करेगा, क्या चीज है जो ओआईसी को झंझोड़ेगी और ओआईसी जो है प्रेशर में आके कोई इकदाम करेगा, किस तरीके से इन मुसलमानों का ये मसला हल होगा। बहरहाल डेफिनेटली दे आर मुस्लिम और उनके साथ बर्बरियत हो रही है, उनके साथ जुल्म हो रही है, ज्यादती हो रही है, इसका कोई हल? जी मैं थोड़ी सी आपकी आवाज नहीं सुन पाया अनवार साहब, मैंने कहा कि जी मैंने ये कहा कि किस तरीके से प्रेशर डाला जाएगा तो ये मसला सॉर्ट आउट होगा। देखिए प्रेशर डालने के लिए कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, एक छोटी सी रियासत है और उसकी अगर उसकी फोर्सेस की बदमाशी देखें तो बात सिर्फ मुसलमानों की नहीं है, इंसानियत की है। इसके साथ तमाम सफारतखाने जो अखबारात ने भी तजवीज़ किया है कि इनके साथ तमाम जो है इनको बाकायदा एक डेडलाइन दी जाए और बहुत मुख्तसर मुद्दत की डेडलाइन दी जाए, इनके साथ सफारती ताल्लुकात मुनक़ते किए जाए और मुआशी ताल्लुकात मुनक़ते किए जाएँ। तो ये तो खुद एक छोटी सी रियासत है और ज़ालिमों की रियासत खुद ही समंदर बुर्द हो जाएगी मईशत की तबाही की वजह से, अदरवाइज फिर यूनाइटेड नेशन की फोर्सेस तो हर जगह पहुंची हैं। ये तो इतना ऑन रिकॉर्ड जुल्म हो रहा है कि इसके लिए यूनाइटेड नेशन की फोर्सेस बनी इसलिए है कि पीस के लिए उन खित्तों में जो है वो उतरें और उन मजलूम आवाम को जो है उन फोर्सेस के मजालिम से निजात दिलाएं। तो खारजा सतह पे मेरा ख्याल में आज से ये ईद के बाद से मूवमेंट शुरू हो रही है और उम्मीद रखनी चाहिए कि तेजी से जो है जो बैन अल-अक़वामी बरादरी है वो बर्मा पे प्रेशर डालेगी और इसका कोई ना कोई हल निकालेगी। बिल्कुल। अच्छा इस वक्त अनवार साहब बड़े ज्यादा से सवालात इस वक्त जहन में आ रहे हैं, लेकिन एक सवाल जो काफी जहन में खटक रहा है मेरे वो यही है कि किसी सदी में हम कहते हैं कि जी हम किसी सदी के लोग हैं और एक तरफ हम देखते हैं कि कहीं जौहरी हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है, कहीं जंगें हो रही हैं, कहीं आज भी ये जेनोसाइड जो है वो जारी है, नस्ल कशी की जा रही है मुसलमानों की, ये कौन सी किसी सदी है जिसकी बारे में हम बात करते हैं? और मुसलमानों के ऊपर खसूसी तौर पर हमने देखा है कि शुरू से लेकर अब तक ये सिलसिला चले चले आ रहा है और ये बर्मा में कोई पहली बार नहीं हो रहा, इससे पहले भी हम देख रहे थे पर यह हाईलाइट अब दोबारा होना शुरू हुआ है पिछले कुछ हफ्तों से लेकर, लेकिन ये जेनोसाइड पिछले काफी अरसे से चला आ रहा है, अब जाकर होश आया भी है तो हमारी जानिब से क्या किया जा रहा है, पाकिस्तान को अपना किस तरह से इसमें किरदार अदा करना चाहिए, क्या सिर्फ इन मामलों पर बहस से ही इनका मसला इन चीजों का हल निकलेगा या कोई ऐसा प्रेशर भी पाकिस्तान को बिल्ड करने की जरूरत है, कोई ऐसे मजबूत स्टेप लेने की भी जरूरत है पाकिस्तान को? देखिए पहला जो आपका क्वेश्चन है उसका जवाब तो ये है कि पूरी दुनिया में जो आलमी ताकतें हैं वो ना इंसाफी पे मबनी जो है निज़ाम चला रही हैं, जहाँ उनका दिल करता है तो वो ताकत के जरिए कुचल देते हैं उन ममालिक को और जहाँ इस तरह के जेन्युइन मसाइल होते हैं वहाँ वो रजू नहीं करते, वहाँ पे वो रबता नहीं करते। अब बात रही हमारी तो हमारा एक पाकिस्तान का किरदार यकीनन जी हो सकता है और बाकी ममालिक फिर अपना अपना किरदार अदा करेंगे
कि सफारती सतह पे जो है इस पे दबाव डाला जाए और जो हमारी इस्लामी ऑर्गेनाइजेशन है उसके प्लेटफॉर्म से आवाज उठाई जाए और बर्मा पे प्रेशर बिल्ड किया जाए। प्रेशर बिल्ड करने के लिए आपको अमली इकदाम करना चाहते हैं, पहले आप सफारती ताल्लुकात तोड़ने की उनको जो है वो डेडलाइन दें, उसके बाद सफारती ताल्लुकात तोड़ेंगे, तिजारती ताल्लुकात जब खत्म करेंगे इस्लामी ममालिक तो बाकी आलमी बरादरी भी जो है वो उसको भी कुछ होश आएगा और इसी तरह के इकदाम से हो सकता है, वरना कोई ऐसा हम इनफरादी तौर पे उनके कोई ऐसी चढ़ाई कर दें, अगर कोई चढ़ाई करनी है तो वो यूनाइटेड नेशन की फोर्सेस ने जाके करनी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, अगर चढ़ाई करनी है तो यूनाइटेड नेशन की फोर्सेस ने करनी है। अच्छा, एक चीज जो के है म्यांमार के हवाले से, अभी हम रोहिंग्या मुसलमानों की बात कर रहे हैं तो कुछ बात कर लेते हैं ओवरऑल पाकिस्तान के मुसलमानों की, कराची की हालत ज़ार की। हम देखते हैं कि म्यांमार में तो रोहिंग्या मुसलमानों को मारा जा रहा है, उनकी नस्ल कुशी की जा रही है, लेकिन यहाँ पर हम एक दूसरे के साथ में भी इसी तरह का बर्ताव कर रहे हैं और स्पेशली ईद के मौकों पर अगर ट्रैफिक की सूरत हाल देखी जाए तो बिला वजह लोग ट्रैफिक की सूरत हाल में एक्सीडेंट की वजह से जाँ बहक हो रहे हैं। इस हवाले से कितनी जरूरत होती है, जहां पर हम आलाइशों के हवाले से अवेयरनेस देते हैं वहीं पर हमको ये अवेयरनेस देने की कितनी जरूरत होती है कि जी अगर आपने दावत पे भी पहुंचना है या ईद की नमाज के लिए भी पहुंचना है तो आप ट्रैफिक के लिए जो है उसकी रवानगी में थोड़ा तहमुल रखें और एहतियात बरतें, उस हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं बिल्कुल ये चाह भी रहा था कि अगर ईद के हवाले से हम कोई बातें नहीं कर सके तो ईद के मौके पे हर ईद पे, चाहे वो ईद उज़ुहा हो या ईद उल फितर हो, तो वहाँ पे जो बाकी तो पीसफुल हो जाता है, दहशतगर्दी भी नहीं होती, फोर्सेस बड़ी अलर्ट रहती हैं और शहरियों को पुरसकून तरीके से ईद करने का मौका मिलता है, लेकिन तीन दिनों में गैर मामूली तौर पर हादसात होती हैं, दर्जनों जो है वो मासूम अफराद जो है वो जाबाक हो जाते हैं हादसात में। हादसात में क्या क्या होता है, हालांकि ना तो रश होता है क्योंकि हर कोई अपने शहरों में गया होता है और बड़े शहर तकरीबन खाली हो जाते हैं, लेकिन क्या होता है कि सड़कें खाली होती हैं तो ड्राइवर जो है बेहतियाती करके स्पीड से बसें रोड्स पे चलाते हैं तो आप सबसे ज्यादा ट्रैफिक हादसात होते हैं। उसके अलावा दरिया या समंदर पे पिकनिक मनाने जाते हैं तो जो किश्तियों को लाइसेंस मिलते हैं वहाँ पे जिले इंतजामिया इनको लाइफ जैकेट्स की पाबंदी नहीं करवाती तो जब किश्तियाँ ओवरलोडिंग से उलटती हैं तो वहाँ हादसात होते हैं। पिकनिक मनाने फैमिलियाँ जाती हैं तो वहाँ वो बच्चों के साथ एहतियात नहीं करते तो दरिया या समंदर में बहुत दूर तक चले जाते हैं जिसकी वजह से भी होते हैं। तो अभी ये मौजूदा तीन दिन से हम खबरें फाइल कर करके थक गए हादसात की, जिससे हमें बड़ा अफसोस हुआ है। बहुत से केसेस हम देख रहे थे ईद के दिनों में रिपोर्ट हुए हैं और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये तो बड़ा हमारा आम सा तासुर बन चुका है कि अगर सड़कें खाली हैं ईद के दिन हैं तो जनाब कोई होगा ही नहीं सड़कों पर और आपकी स्पीड, आप इवन ओवर स्पीडिंग कर रहे होते हैं जिसकी वजह से बहुत से हादसात पेश आ जाते हैं और इंतहाई अफसोसनाक बात यह है कि लोग अपने एंजॉयमेंट के लिए बाहर निकलते हैं, समंदर का रुख करते हैं, दरिया रावी का रुख करते हैं और वहां पर इस तरह के हादसा हैं। रात में भी जो लोग दावतों पे जा रहे होते हैं उनको पता नहीं किस बात की जल्दी होती है, अच्छा जल्दी पहुंचते भी नहीं है लेकिन उन्होंने पैनिक बड़ी मचाई होती है ट्रैफिक में। अनवर हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद थे और बहुत जबरदस्त एडिटोरियल के ऊपर उन्होंने हमसे गुफ्तगू की, आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और खबर शामिल करेंगे हम म्यांमार के हवाले से। म्यांमार से हिजरत करने वाले रोहिंग्या मुसलमानों की तादाद 87,000 हो गई है। फौज ने बुद्ध भक्तियों के साथ मिलकर गांव भी जलाकर राख कर दिए हैं जबकि आलमी बरादरी ने मामले पर खामोशी इख्तियार कर ली है। ये म्यांमार के सूबे रखाइन के गांव का सैटेलाइट नक्शा है जो 31 अगस्त को इंसानी हकूक की आलमी तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल ने जारी किया। म्यांमार की फौज और बुद्ध भक्तों के मुसल्ला जत्थों ने इस पूरे गाँव को सफ़े हस्ती से मिटा दिया है। अक्वामे मुत्तहदा की रिपोर्ट के मुताबिक म्यांमार से हालिया चंद दिनों में हिजरत करने वाले रोहिंग्या मुसलमानों की तादाद तकरीबन 87,000 हो गई है। बहुत से रोहिंग्या मुसलमान नकल मकानी के दौरान पहाड़ों पर पना गुजीन हैं। जहां उन्हें दो वक्त की रोटी के लाले पड़े हैं, बेशतर हिजरत करते हुए दरिया की बेरहम मौजों की नजर हो गए हैं। गुज़िश्ते जानवर मिले हैं तभी इसी साल ज्यादा कुर्बानी की। बिल्कुल ठीक है शाह साहब, बहुत सी मतलब ईदों पे इस तरह भी होता है कि लोग पहले दिन कुर्बानी नहीं करते ताकि रेट्स गिर जाए और उसके बाद तीसरे दिन जाकर जानवर खरीदते हैं और फिर कुर्बानी करते हैं, तो अब तक सारे जानवर जो हैं वो बेच दिए गए हैं, खाली हो चुकी है मंडियां? नहीं, मैं इसके लिए सही फिक्र हूँ, कल भी मैं मंडी में था और सर्वे कर रहे थे, 7 से 10 हजार जानवर मौजूद थे जो कि बैकअप हो रहे थे क्योंकि अब हमारा वहाँ से लॉ एंड सिक्योरिटी फोर्सेज के हवाले से उनको देना मुश्किल है,
क्योंकि हमारे टेन्योर सब कम्प्लीट हो गया, हम 3 दिन तक वहाँ रहते हैं। तो मेरे ख्याल में जो जानवर है, जैसा कि आपका सवाल है जी कि जानवर कितने बच गए और कितने वापस चले गए, अगर आप इस सेंस में बात कर रही हैं तो मेरे ख्याल में 10 से 2.25 लाख जानवर आए थे, उसमें 10-20 हज़ार अगर बच जाए तो दिस इज नॉट अ परसेंटेज। ठीक है, अच्छा आप सही कह रहे हैं कि 10-20 हज़ार अगर जानवर बच जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं है इतने लाखों जानवरों में से। अच्छा इंस्पेक्शन के हवाले से मैं पूछना चाहूँगी कि मंडी में जितने भी जानवर लाए गए थे उनकी जो इंस्पेक्शन थी, उनका जो निज़ाम था सारे उनके व्यापारियों का, उस हवाले से जो है आप लोगों ने किस तरह से इकदाम किए थे? इंस्पेक्शन रिगार्डिंग द हेल्थ ऑफ द एनिमल की बात? जी बिल्कुल, हेल्थ ऑफ द एनिमल जी। तो ये इसके लिए ये है कि हेल्थ डिपार्टमेंट ने जो मदीर डिस्ट्रिक्ट में होता है वहाँ पे एक चेक पोस्ट लगाते हैं जहाँ वेटरनरी डॉक्टर्स होते हैं जो कि मदीर डिस्ट्रिक्ट के DMC की जिम्मेदारी होती है कि जितने भी जानवर आते हैं वो पहले उसको जस्टिफाई करते हैं, टेस्ट करते हैं, सर्टिफाई करने के बाद ही वो हमारी मार्शलिंग एरिया जहाँ हमारी काउ की एंट्री होती है जी। अगर वो मार्शलिंग एरिया में इन जानवर के पास वो चीज़ें ना हो, सर्टिफिकेशन ना हो, तो हम उसको मार्शलिंग के अंदर आने ही नहीं देते। अच्छा। दूसरी मामला ये थे कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से वेटनरी डॉक्टरों का कैंप भी लगा था जिसमें 3 शिफ्टों में डॉक्टर्स होते थे, 12-15 लोगों की शिफ्ट होती थी और उनके पास अद्वियात भी थे और वो गश्त भी करते रहते थे और काहे बगाए जानवरों को चेकिंग भी करते रहते। तो लेकिन एक बात मैं कहता चलूँ, इस साल कोई मूजी मर्ज जैसे मुंहखोर और बारिशें भी हुई और जी इतने मामला भी खराब रहे मौसम के, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से कोई बड़ी बीमारी ऐसी एपिडेमिक की सूरत में मंडी के अंदर नहीं हुई। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि कोई बड़ी बीमारी जो है वो ऐसे देखने में नहीं आई और कोंगो वायरस के हवाले से भी तहफ़ुज़ात थे वो भी जो है मंडी की तरफ से, मवेशी मंडी की जानिब से दूर कर दिए गए थे। सर ये पूछना चाहूंगी कि इस साल कोई एक ऐसी चीज़ हुई हो मवेशी मंडी में, ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर आप ऐसा सोचते हो कि जी नेक्स्ट ईयर इस पर काम करने की बड़ी ज़रूरत है और ये चीज़ अगर नेक्स्ट ईयर हम करेंगे तो और ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे मामला? जी बिल्कुल सही फरमा रही हैं। एक तो ये मौसम है जी, ये मानसून का सीज़न है, लास्ट ईयर भी तकरीबन 10-12 दिन के वक्त से ये मौसम ये सीज़न लगेगा। तो सबसे बड़ी कोताही जो हमसे हो पाई, जो हम समझते पाए जिसको हम कंट्रोल नहीं किया, वो ड्रेनेज ऑफ वाटर था, बारिश के पानी की निकासी। तो हम ये चाहेंगे कि नेक्स्ट ईयर जो भी अगर मैं हुआ तो मैं वरना अरबाब अख्तियार जो मल्टी पेंटन रोड वाले इसको लगाते हैं तो वो पानी की निकासी का सिलसिले का कोई ना कोई प्लान हमें पहले से करना पड़ेगा। ठीक है इरशाद साहब, ये बताइएगा कि हम देखते हैं कि हर साल ईद आती है और हर मरतबा ही मवेशी मंडी में कोई ना कोई हम देखते हैं कि मैनेजमेंट में जो है वो मसला किसी ना किसी तरह से पड़ जाता है, हमेशा टेंट लगाए जाते हैं और वहाँ पर मवेशियों को रखा जाता है। आप नहीं समझते कि इसका कोई प्रॉपर इंतज़ाम होना चाहिए क्योंकि हर साल ही ये मवेशी मंडी लगाई जाती है, ड्रेनेज का प्रॉपर निज़ाम होना चाहिए, कोई जगह मुख्तस कर देनी चाहिए जहाँ पर मवेशियों को रखा जाए, शेल्टर्स बनाने चाहिए। अब जैसे इस बार बारिश हुई है तो भी काफ़ी नुकसान हुए हैं। सही फरमा रही हैं, इसके लिए जामे प्लानिंग के जरिए इस वक्त जो मवेशी मंडी यहाँ लगती आ रही है 15 साल से, ये मुख्तलिफ सोसाइटी से हम हायर करते हैं ज़मीन है ना जी। ठीक है, इसके लिए प्लानिंग के लिए ज़रूरी ये है कि क्योंकि ये पहले 800 एकड़ पे था और ये वबा फैलते फैलते 1200 एकड़ हो जाता है, तो जो भी जगह एक तो सबसे पहले कि जगह को हायर किया जाए जो कि परमानेंट बेस पे हो और ये क्योंकि मंडी लगती है हम प्लान करते हैं 800 पे चली जाती है 1200 पे, तो हमें पूरी प्लानिंग के साथ कोई एक जगह वैसे ही सुकड़ता जा रहा है और लोग सुबह की तरफ जा रहे हैं। तो मेरा मशवरा ये होगा कोई ऐसी जगह देखी जाए जो शहरियों के लिए सहूलत भी हो आने में, क्योंकि मवेशी मंडी की ये सबसे अफादियत ये है कि ये अप्रोच सबको इजी हो जाता है, नॉर्थ अप्रोच सही। तो अभी इतनी बड़ी जगह कहीं अवेलेबल हो तो उस पर ये बात। ठीक है, बहुत शुक्रिया इरशाद साहब, आप हमारे साथ थे और इस सब पर आपने हमसे बात की और अपनी राय का इजहार किया, बहुत शुक्रिया आपका। और मैं समझ रही थी कि वाकई में जानवरों के भी ना कुछ रेट फिक्स होने चाहिए क्योंकि एक तरफ मैं देख रही थी लाहौर में जो एक जानवर 24 से 25 हज़ार का मिल रहा था, कराची में समवेयर कुछ लोगों ने 24-25 हज़ार में 2 बकरे भी खरीदे, ज्यादा हिसाब और रेट में फर्क जो है ना, ये स्टेटस बन गया है कि जी आपने कितने की गाय ली, आपके यहाँ कितने की कुर्बानी हुई, तो कुर्बानी को जो है वो आप कुर्बानी रखें, कुर्बानी एक इसार का जज्बा है, कुर्बानी अल्लाह की राह में होती
होती है, ये कोई शोबाजी का काम नहीं है। और अगर मंडी की ओवरऑल सूरत हाल के हवाले से बात की जाए तो जैसे कि इरशाद अहमद साहब एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उनसे मैंने यही पूछा कि जी आप कितने मुतमईन हैं सफाई के इंतजाम से, तो कहीं ना कहीं उन्होंने कहा जी हाँ बिल्कुल मैं मुतमईन हूँ सफाई के इंतजाम से, और आफ्टर मंडी जो है तमाम आलाइशों को साफ कर दिया जाता है, वो जगह साफ कर दी जाती है। लेकिन उनका जो एक डिमांड है, उनकी जो एक सॉलिड मुतालबा है, वो ये है कि मंडी अगर लगानी है अगले साल अगर आप लगाएं तो ऐसी जगह पर लगाएं जो कि इजी अप्रोच हो, तमाम लोग आसानी से आ सके। बहुत सारे लोगों के लिए सुपर हाईवे जो है वो आउट ऑफ द वे हो जाता है, और एक ऐसी जगह पर हो कि जहाँ पर बड़ी जगह हो, सफाई सुथराई के इंतजाम हो, इजी अप्रोच हो, तो तमाम लोगों को बहुत ज्यादा आसानी होगी। तो मंडी की सूरत हाल से हमने आपको आगाह किया। गुड मॉर्निंग, आज में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं जाएगा मैं, डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस, कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज। गुड मॉर्निंग आज, और अब कुछ बात कर लेते हैं आज की तारीख के हवाले से जो कि इंतहाई अहम है। आज के दिन यानी 5 सितंबर 1980 में दुनिया की पहली लॉन्ग टनल रोड का इफ्तिताह किया गया। 1980 में बनाया गया गोथा टनल अपने वक्त का दुनिया का सबसे लॉन्ग टनल था, जिसे स्विट्जरलैंड के नॉर्थ पोर्टल को टेसिनो साउथ से मिलाने के लिए एल्प्स की पहाड़ियों के नीचे से निकाला गया था। इस टनल को बनाने का मकसद मखसूस तजारती अशिया की बआसानी तरसील था। ये एक टू स्टोरी बेस टनल है, एक टनल मोटरवे जबकि दूसरा रेल रोड है। टनल की लंबाई 57 किलोमीटर है, ये मुसाफिरों के 45 मिनट बचाता है। एल्प्स की पहाड़ियों के नीचे से गुजरने वाला ये टनल स्विट्जरलैंड की हुकूमत के मुताबिक सामान की नकलो हमल के लिए एक इनकलाब है। और आप कुछ जिक्र करते हैं बॉक्सिंग का, तो जनाब एक अच्छी खबर है कि पाकिस्तानी निजात बरतानवी बॉक्सर आमिर खान ने पाकिस्तान में बॉक्सिंग लीग कराने का ऐलान किया है, जबकि एक्शन से भरपूर मुकाबले दिसंबर में होंगे और इसमें खवातीन भी शामिल हैं। किशम पिशम। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ आगे हमारे नुमाइंदे भी मौजूद होंगे, लेकिन पहले ये देखते हैं स्टोरी। क्रिकेट लीग के बाद चले जी इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे जावेद इकबाल से। जी जावेद इकबाल, एक बड़ी अच्छी खबर सामने आई है बॉक्सिंग के हवाले से, इतने सालों बाद कुछ रिवाइवल हो रहा है। चलें हुकूमत की जानिब से ना सही, हमारी इंतजामिया की जानिब से ना सही, आमिर खान ने ठान लिया कि वो बॉक्सिंग में कुछ कारकर्दगी दिखाएंगे, क्या कहेंगे इस हवाले से आप? ये एक आमिर खान का बहुत ही जबरदस्त एक कदम है कि वो पाकिस्तान में बॉक्सिंग को जो है देखना चाहते हैं। इसके लिए वो पिछले कई सालों से पाकिस्तान में आते जाते रहे हैं, और इस बार उन्होंने बिल्कुल एक ऐलान भी कर दिया है। कल उन्होंने इस्लामाबाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बाबा तौर पर उन्होंने ऐलान किया कि पाकिस्तान में सुपर बॉक्सिंग लीग वो कराएंगे, जिसके वजह से पाकिस्तान में जो है बॉक्सिंग मजीद फरोग पाएगी, और इससे 8 शहरों में ये होंगे, 8 शहरों की मुख्तलिफ टीमें बनेंगी और लीग होगा। शुरू में उनका इरादा है कि ये सिर्फ डोमेस्टिक सतह पे हो, नेशनल सतह पे हो, उसके बाद वो देखेंगे इसके जो है नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर लेके जाएं। और इसके लिए लेकिन हर टीम में गैर मुल्की एम्बेसडर वो रखेंगे, टीम का एक जो एम्बेसडर होगा। और आपको बता दें पाकिस्तान के जो है बॉक्सिंग में एक जबरदस्त माजी रहा है। 1988 में पाकिस्तान के जो है हुसैन शाह ने सियोल ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता, उसके अलावा जो है पाकिस्तान के अब्दार हुसैन जो है वो भी ओलंपिक में नुमाइंदगी कर चुके हैं, और आजकल प्रोफेशनल बॉक्सिंग में पाकिस्तान के मोहम्मद वसीम वो जबरदस्त अंदाज में खेल रहे हैं, अपनी मुख्तलिफ फाइट वो जीत चुके हैं अमेरिका में, कोरिया में, और जबरदस्त मुकाबले कर रहे हैं। तो पाकिस्तान में बॉक्सिंग का टैलेंट बहुत है, लेकिन ये खेल चूंकि ज्यादातर शुमार होता है कि गरीबों का है। चलिए इस पर आपसे मजीद भी कुछ बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर अपने तमाम नाज़रीन को हम भी दिखाते हैं कि किस तरह से ख़वातीन बॉक्सर्स भी इसमें हिस्सा लेंगी और क्या क्या तैयारियां की गई। तारीख तब्दील कर देगा, भारत में बॉक्सिंग लीग कामयाब रही थी, पाकिस्तान में भी बॉक्सिंग लीग बॉक्सर्स की तकदीर बदल सकती है। बिल्कुल, पाकिस्तान में भी बॉक्सिंग लीग पाकिस्तानी बॉक्सर्स की तकदीर बदल सकती है, और इसी हवाले से मजीद बात करेंगे हमारे स्पोर्टर, हमारे स्पोर्ट के जो हैं वो रिपोर्टर हैं जावेद इकबाल। अच्छा जावेद भाई, ये बताइएगा कि डेफिनेटली एक बड़ी अच्छी खबर सामने आई है, आमिर खान ने बिलाखिर ये लीग पाकिस्तान लाने का फैसला कर लिया है। मोहम्मद वसीम जो कि टॉप पे, आपको याद होगा कि मैं और आप गए थे मोहम्मद वसीम का इंटरव्यू करने, तो उन्होंने यही कहा था कि हुकूमत इतनी तवज्जो नहीं देती है, लेकिन अपनी मदद आपके तहत जैसे तैसे करके आज वो इस टॉप लेवल पर पहुँच गए हैं। कितना हौसला बढ़ेगा बॉक्सर का, कितना हौसला बढ़ेगा बॉक्सिंग फील्ड में आने वाले उन तमाम लोगों का, 2010 के बाद से हम देखते हैं बिल्कुल ही जबुहाली का शिकार था ये शोभा। जी बिल्कुल, और जब ये लीग होगी तो यकीनन बॉक्सर के पास इसकी लीग की वजह से बड़े स्पॉन्सर आएंगे, उनको लीग को स्पॉन्सर करेंगे, तो इसका फायदा बिलाखिर जाके है बॉक्सरों को ही होगा, क्योंकि ये खेल यहाँ पे गरीबों का खेल कहा जाता है, लेकिन ज्यादातर लियारी में खिलाड़ी
बॉक्सिंग में बहुत शौक से हिस्सा लेते हैं, फैन चाह का ताल्लुक भी ले आई था, लेकिन उनको यहाँ उसके बाद इतनी सपोर्ट नहीं मिली, तो अब वो आजकल जापान में काफी अच्छे से वो बॉक्सिंग कोचिंग कर रहे हैं और इस तरह से खेल आगे जाएगा। बॉक्सिंग में पाकिस्तान का टैलेंट है वो सामने आएगा, मजीद जब सामने आएगा तो पाकिस्तान के बॉक्सर जो है वर्ल्ड लेवल पे भी अच्छी नुमाइंदगी कर सकेंगे। पाकिस्तान में अक्सर जो है इस मुकाबलों में पाकिस्तानी बॉक्सर ने एशियाई सतह पे आलमी सतह पे बहुत अच्छे मेडल्स हासिल किए हैं साउथ एशियन गेम में, एशियन गेम में और वर्ल्ड लेवल पे, तो अब ये एक बहुत बेहतरीन एक चांस है जो आमिर खान की वजह से पाकिस्तानी बॉक्सर को मिलेगा। जावेद साहब ये बताइएगा, जैसे कि हमारे मुल्क में हम देखते हैं कि जितना शौक हमारे लोगों को क्रिकेट का है और जितना ज्यादा क्रिकेट को एक मुकाम मिला हुआ है, इस तरह बॉक्सिंग को भी ये मुकाम मिल पाएगा? अभी यहाँ पे लीग तो शुरू कर रही है। क्रिकेट को जो मुकाम है वो तो पाकिस्तान में सबसे बढ़ के चढ़ कर है, क्योंकि कौमी खेल हॉकी उसका भी वो मुकाम है जो क्रिकेट को, क्योंकि क्रिकेट में ग्लैमर बहुत है, स्पॉन्सर बहुत है और लंबा ड्यूरेशन का खेल है, इसलिए इसमें जो है सबकी दिलचस्पी ज्यादा है, हर पाकिस्तानी फोन में जैसे क्रिकेट शामिल है, लेकिन दूसरे खेल भी यहाँ पर हैं, उसमें भी टैलेंट कम नहीं है, लेकिन दूसरे खेलों को वो अहमियत नहीं मिल पाई, वो सपोर्ट नहीं मिल पाई हुकूमत की जानिब से जो उनका हक था, दूसरे जैसे टेबल टेनिस है, स्नूकर है, स्क्वाश है, तो हॉकी तो खैर पाकिस्तान ने बहुत जबरदस्त नाम कमाया है, लेकिन उसको वो सपोर्ट और वो आवाम में पजीराई इतनी नहीं मिल सकी जितनी क्रिकेट को मिली है। सही। अच्छा, आपने सपोर्ट की बात की जावेद भाई, आप सपोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली कोई भी गेम हो पाकिस्तान में बड़ी मुश्किल से सपोर्ट मिलती है, जब तक कोई स्पोर्ट्समैन आगे आके अपने आप के तहत कुछ ना करे और अपना नाम ना बनाए, हुकूमत उसको सपोर्ट नहीं करती। अब आमिर खान ने एक दाम उठाया, ये इनिशिएटिव लिया है पाकिस्तान में बॉक्सिंग के रिवाइवल का, तो आपको क्या लगता है कि अब इंतजामिया भी जागेगी बॉक्सिंग के हवाले से, कुछ हुकूमत भी कारकर्दगी दिखाना शुरू करेगी कि जी वहां से पड़ोसी मुल्क से जो है आमिर खान आ रहे हैं, तो मजीद इसके ऊपर काम हो सकेगा, मजीद कुछ इकदामात होंगे, मजीद रिवाइवल बढ़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल, जरूर पाकिस्तान में बॉक्सिंग जो है तरक्की करेगी, और चूंकि आमिर खान अपनी एकेडमी इस्लामाबाद में कायम करी, क्योंकि इसके अलावा वो कराची में भी इरादा रखते हैं, लाहौर में पंजाब हुकूमत उनको काफी सपोर्ट कर रही है हवाले से अकेडमी के काम के लिए, और यहाँ सिंध हुकूमत भी उनको चाहती थी कि उनको भी जमीन दे, वो यहाँ अपनी अकेडमी बनाए और बॉक्सर को ट्रेनिंग दें, तो ये अब उनका जो ख्वाब है आमिर खान का कि वो बॉक्सिंग के, वो पैदा तो वहाँ हुए इंग्लैंड में, लेकिन उनके अबाव इजाद का ताल्लुक पाकिस्तान से, तो वो हमेशा यहाँ आते हैं और मिलते हैं पाकिस्तानियों से, और वो ख्वाहिश रखते हैं कि पाकिस्तानी बॉक्सर जो है चले जी। थैंक यू सो मच जावेद साहब, आप हमारे साथ थे, और बड़ी जबरदस्ती एक अच्छी खबर पाकिस्तानियों के लिए ये है कि यहाँ पर बॉक्सिंग लीग शुरू होने जा रही है, साथ साथ दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि क्रिकेट के हवाले से भी हमारे पास एक अच्छी खबर है, वर्ल्ड 11 यहाँ पर शुरू होने जा रहा है, जिसके लिए मेरा ख्याल है लोगों को अपनी डेट्स याद हो चुकी है, लाहौर के अंदर 12, 13 और 15 को 3 मैचेस होने जा रहे हैं, और टिकट जो है वो ऑनलाइन फरोख भी होना शुरू हो गई, तो जल्दी जल्दी अपनी टिकट आप लोग ले सकते हैं, और डेफिनेटली मैं तो बड़ी एक्साइटेड हूँ, लेकिन लाहौर में ये सब कुछ हो रहा है, कोई बात नहीं, लेट्स सी लाहौर में हो रहा है, हम यहाँ पे बैठ के कमेंट्री करेंगे अगर हमारे टाइम पर मैच हो रहा होगा तो। खैर, बॉक्सिंग के हवाले से जो भी इनिशिएटिव आमिर खान ने लिया है उसको हम सलाम पेश करते हैं, क्योंकि डेफिनेटली उन्होंने साबित कर दिया कि उनका दिल जो है पाकिस्तानियों के साथ रखता है। गुड मॉर्निंग आज मैं यहाँ वक्त एक ब्रेक का, कहीं जाएगा मैं, डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस, कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज, और अब कुछ बात कर लेते हैं कराची में गंदगी के हवाले से, जगह जगह कचरे के ढेर के हवाले से, और जगह जगह पड़ी आलाइशों पर। इस पर मजीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है KMC की मीडिया कमेटी की चेयरपर्सन सबीन खारी ने। अस्सलाम वालेकुम सबीन जी, कैसी हैं? जी वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले तो आपको गुज़िश्ता ईद मुबारक हम कहना चाहेंगे, कराची की अगर सूरत हाल की बातचीत की जाए और आपके जो आवाम है उनके शिकवे अपनी जगह, उनकी कंप्लेंट्स अपनी जगह, आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे अपने इदारे की कारकर्दगी, अपने इदारे की परफॉर्मेंस से कितनी मुतमईन है? बहुत शुक्रिया पहले तो आपका और आपके चैनल का कि आपने हमें ये मौका दिया, और बिलेटेड ही सही, मगर आप सबको मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से ईद मुबारक। एक्चुअली आपको पता है दफ़ा जो ईद उल अज़हा थी उससे पहले ऑलरेडी पूरे सिंध में और पाकिस्तान में थोड़ी सी बारिशों के हवाले से गैर मामूली सूरत हाल थी। ऑलरेडी रेन एमरजेंसी जो है वो नाफिस थी हर जगह पे, और ख़ास तौर पे कराची और सिंध के जितने भी एरियाज़ हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल पहले ही जन्म ले चुके थे।
तो इस वजह से थोड़ा सा हम लोगों ने पहले ही एक तो तमाम जो हमारा स्टाफ है उसकी छुट्टियां मनसूख थी। हमने अपना जो मेन मरकजी कंप्लेंट सेल है वो कश्मीर रोड पे जो है वो बनाया था और उसकी निगरानी जो है ख़ुद हमारे कराची के मेयर वसीम अख्तर साहब कर रहे थे। अच्छा, इसमें जो है वो थोड़ा सा मैं आपको ये बताती चलूँ कि मुख्तलिफ जो ज़िले हैं उनके चेयरमैन भी हमारे साथ थे, मगर जो हमारे दो छः में से दो अज़ला हैं, ख़ास तौर पर हमारा डिस्ट्रिक्ट ईस्ट जिसमें हमारा गुलशन जोन, जमशेद जोन आता है, और इसके अलावा साउथ सदर टाउन वगैरह का इलाका, ये तमाम जो हैं ये दोनों ज़िले जो हैं वो हमारे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के पास हैं, और यहाँ से सफाई का काम और सॉलिड वेस्ट उठाने का काम जो है वो उनकी जिम्मेदारी है। उसके बावजूद हमने एक मीटिंग की थी और उसके अंदर तमाम चेयरमैन को और म्यूनसिपल कमिश्नर्स को बुला के और मुख्तलिफ कलेक्शन पॉइंट्स के लिए उनको हिदायत दी थी। हर जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर एक कंप्लेन मेन सेल था, उसके अलावा मुख्तलिफ पॉइंट्स थे, जैसे कोरंगी में 9 पॉइंट्स थे, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में 10 कलेक्शन पॉइंट्स थे, और हमारे जितने भी चाहे वो हमारा सेनेटरी का स्टाफ हो, डायरेक्टर्स हों, चाहे हमारे चेयरमैन हों, वाइस चेयरमैन हों, इलेक्टेड काउंसलर्स हों, वुमेन काउंसलर्स हों, वो सब के सब ड्यूटी पे मौजूद थे। और तीनों दिन कराची से तकरीबन 15 लाख के करीब आलाइशें उठाई जा चुकी हैं। उसके बावजूद आपको पता है कि कराची इतना बड़ा शहर है, बहुत सारे और मसाइल हैं, तो कहीं कहीं ऐसा ज़रूर हुआ है, तो उस पर ऐसा हुआ है कि जहां हमारे पास कंप्लेन आती थी और कहीं से मिस हो जाता है तो वहाँ पर हम फ़ौरन भेज के विद इन एन आवर जो है वो वहाँ से जो है वो उठवा लेते हैं आलाइशें। मगर ऑफल्स के हवाले से मेरे ख्याल में जितनी मेन 28 शराएँ केएमसी के अंडर में आती हैं वो तो बिल्कुल साफ़ हैं, उसके अलावा भी जो मुख्तलिफ टाउन्स की मेन शराएँ उसमें हमने कोशिश की है कि उनको जितना साफ़ रखा जा सके, उस पर चूना डाला जा सके, स्प्रे किया गया है, ये तमाम चीज़ें जो है, और उसको खुद जो है मेयर साहब कराची के जो मेयर साहब हैं वसीम अख्तर वो इसकी निगरानी कर रहे हैं और आज भी ये काम जारी है। जी बिल्कुल सबीन गौरी साहबा, आपकी बात से बिल्कुल मुत्तफिक है कि मेन शराएँ जो वो बिल्कुल साफ़ हैं और जहाँ तक आप जिम्मेदारी निभा सकते थे, जहाँ तक अपना काम कर सकते थे आपने किया, लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं, छोटी छोटी गलियाँ हैं, कचरे के वहाँ पर ढेर पड़े हुए हैं, वहाँ पर देखते हैं कि बिल्कुल एक लापरवाही का सा समा है। किसी के भी अंडर कोई भी इलाका आता हो लेकिन हमारी गर्ज इससे है कि हमारा शहर साफ़ हो, तो वो जो कॉम्प्लिकेटेड इलाके हैं, वो जो गलियाँ हैं जहाँ पर गटर भी उबल रहे हैं, आलाइशें भी पड़ी हुई हैं, कचरे के ढेर भी मौजूद हैं और साथ साथ ताफुन भी फैल रहा है, उस हवाले से उन छोटे इलाकों को, उन कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रीट्स को आप किस तरीके से फोकस कर रहे हैं, उनकी सफाई के लिए क्या इंतजाम किए गए? अच्छा, इसमें ऐसा है कि जाहिर सी बात है सारा कराची शहर ही हमारी जिम्मेदारी है जी। हमने इवन जिन इलाकों में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड काम कर रहा है उसमें भी अपना बैकअप और हमारे जितने भी बल्दियाती नुमाइंदे हैं इलेक्टेड उनको हमने ड्यूटीज़ लगाई थी कि कहीं कुछ ऐसा मिसहैप हो जाता है या सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड उस तरीके से काम नहीं कर पाता है तो हमारे जो कंप्लेन सेल्स हैं उस पर कोई कंप्लेन आ रही थी तो हम उस पर जो है वो फ़ौरन जो है वो एक्शन ले रहे थे। मगर कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जैसे कि आपने खुद बताया कि बहुत छोटी गलियां हैं, वहाँ पे मुख्तलिफ मशीनरी का जाना और बहुत बड़े बड़े, फॉर एग्जांपल सेंट्रल में 51 यूसीज आती हैं या कोरंगी में 37 यूसीज आती हैं, तो फिर इनमें जो है वो हमने स्टाफ एक्स्ट्रा हायर किया था। फिर उसके बावजूद ऐसा है कि काफ़ी एरियाज़ दूसरी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास हैं। अच्छा। हम कोशिश ये कर रहे थे कि उनसे कोऑर्डिनेशन करें, कहीं कहीं हमारे लोग मौजूद थे जहाँ से भी हमें कंप्लेंट्स आ रही हैं और अगर कोई ऐसा इलाका रह गया है तो हम उस पर फौरी जो है वो एक्शन ले रहे हैं। कंप्लेंट सेंटर्स के नंबर्स हैं, दो दिन पहले ईद उल अज़हा से हमने तमाम अखबारों में, मीडिया पर वो नंबर जारी किए थे, आप उस पर कॉल करें। तकरीबन आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी कि ये नंबर्स कितने, लेकिन साथ साथ ये भी जानना चाहूँगी कि चाइनीज़ कंपनीज़ को भी कुछ ऑर्डर दिए गए थे जिसके बाद हमने सुना था किसी बड़े ट्रक्स आए हैं और उसके बाद कराची से तमाम तर गन जो है वो उठाया जाएगा, वो भी कुछ खास एक्टिव नजर नहीं आ रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर इनको मॉनिटर कौन कर रहा है, ये सब कुछ किसके अंडर हो रहा है, इस हवाले से भी जरा बताइएगा। अच्छा, ये जो आपने चाइनीज कंपनी का जो कॉन्ट्रैक्ट है ये वही सिंध हुकूमत के अंडर में एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड बनाया गया है जिसको सिंध हुकूमत मॉनिटर कर रही है, और उन्होंने जैसे मैंने आपको दो इजला का बताया कि ईस्ट और हमारा जो साउथ जोन है डिस्ट्रिक्ट जो है वो हमने जो है वो सिंध गवर्नमेंट ने इनको दिया है, तो इससे मुतालिक तो वही आपको बता सकेंगे कि वो कितना काम कर रहे हैं या जो चाइनीज़ कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, ये जो मशीनरी आई थी ये टोटल गवर्नमेंट सिंध जो है वो मॉनिटर कर रही है, तो इसके बारे में आपको वही
बेहतर बता सकेंगे। मैं तो आपको केएमसी के प्लेटफॉर्म से जो जो कोशिशें हम कर रहे हैं या जो हमने पैरेलल एक सिस्टम बनाया था ताकि लोगों को परेशानी ना हो, क्योंकि लोग हर मामले में जो है वो जाहिर सी बात है कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की तरफ देखते हैं, वो चाहते हैं कि हमारा जो इलाके का चेयरमैन है, काउंसलर है, वो हमारे मसाइल हल करे, तो उसके लिए हम पूरी कोशिश करें। अच्छा समीन साहबा, बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि आपकी तो हर मुमकिन कोशिश है कि आप तमाम इकदाम करें। अभी आपने कहा कि एक जोन जो है वो आपका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के हवाले से गवर्नमेंट के अंडर आता है, तो डेफिनेटली जहां आप बात करिए हेल्पलाइंस की, लोग आपको कॉल करते हैं, कंप्लेन करते हैं, तो फिर आप क्या करते हैं कि उन कंप्लेंट्स को ट्रांसफर कर देते हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड को, और फिर किस तरह का रिस्पॉन्स है सिंध गवर्नमेंट का? अगर सिंध गवर्नमेंट के अंडर है तो फिर सिंध गवर्नमेंट इतना एक्टिव रिस्पॉन्स क्यों नहीं दे रही है? क्या सब छुट्टियां मना रहे? नहीं, एक्चुअली मैंने आपको बताया जो दो हमारे डिस्ट्रिक्ट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के अंडर में है, हमारा एक मरकजी कंप्लेन सेल है जो कश्मीर रोड पे कायम है। अब वहाँ किसी भी इलाके से कंप्लेन आती है तो हम उस एरिया का जो सैनिटरी स्टाफ है और जो वहाँ का चेयरमैन है उस डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन को, क्योंकि जाहिर सी बात है वो एक इलेक्टेड नुमाइंदा है, वो अपनी ड्यूटी पर मौजूद है पहले दिन से, तो वहाँ पर उनका जो मरकजी कंप्लेन सेल है जो कि हर डिस्ट्रिक्ट का अपना है, वहाँ पर हम इन्फॉर्म करते हैं। वहाँ से वो कंसर्न जो चेयरमैन है जिसका वो इलाका है, जिसकी वो यूसी है, उसको इन्फॉर्म करते हैं और वो गाड़ी भेज के जो है वो रिमूव करवा रहे हैं। इसके लिए जितने हमारे सेंट्रल ने, ईस्ट ने, इन्होंने एक्स्ट्रा गाड़ियां भी अरेंज की हुई हैं और अपने अपने तौर पे जितने हमारे इलाके के चेयरमैन हैं उन्होंने भी अपने तौर पे स्टाफ और गाड़ियां अरेंज करके रखी हैं कि कहीं कोई मिस हो जाता है तो हम अपने तौर पे ये काम करें, क्योंकि आवाम तो ये नहीं समझती कि ये किसका जो है वो मसला है। आवाम तो सिर्फ ये समझती है कि मेरे घर से ये आलाइश उठनी चाहिए अगर पड़ी हुई है तो। जी बिल्कुल, रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर मेट्रोपॉलिटन गवर्नमेंट की है और अगर आप लोगों की तरफ, तो डेफिनेटली आवाम का प्रॉब्लम नहीं है कि किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आवाम का प्रॉब्लम ये है कि ये मामला जल्द से जल्द हल होना चाहिए। हमारे साथ सबीन गौरी साहिबा मौजूद थी, चेयरपर्सन है और कमेटी की, और इस हवाले से हमसे गुफ्तगू करी थी, और उनका तो यही कहना है कि जी मेन शाहराओं से जितना हो सका, मुमकिन हो सका, हमने 15 लाख के करीब जो है वो तीन दिन में आलाइशें उठाई हैं, जबकि वही बात आ जाती है कि आप मेन शाहराएं साफ कर देते हैं लेकिन जो गली महल्ले हैं, जो आपके मैदान हैं, जो आपके फोकस इलाके हैं, जो आपकी दुकानें हैं, जो आपकी छोटी छोटी मार्केट्स हैं, वहाँ पर कचरा, गंदगी, ताफुन, बात वही आ जाती है कि जी ओवरऑल शहर की सफाई होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है, इवन बहुत से लोगों ने ये भी कंप्लेन किया कि हमने अपने प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स बुलाकर इन ऑफिस को उठवाया है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गंद मच रहा था और एक टाइम होता था कि लाइमस्टोन पाउडर जो है वो जरूर डाला जाता था ताकि किसी किस्म के बैक्टीरिया ना फैले, तो बैक्टीरिया को एलिमिनेट करने के लिए भी इस तरह के तमाम इकदाम किए जाते थे जो कि इस बार नहीं देखने में आए। दो के ये जरूर कह रहे थे कि जी इस तरह के स्प्रेस किए गए हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी जगह है जहां पर ये कंप्लेन अभी भी सामने आ रही है, तो डेफिनेटली इन तमाम चीजों को काउंटर करना बड़ा जरूरी है। आगे बढ़ते थे ना और कुछ दुनिया भर से भी खबरें शामिल करते हैं, जिसमें आपको बताएं कि म्यांमार के इलाके रखाइन में 10 लाख से ज्यादा रोहिंग्या मुसलमान आबाद हैं, जिनके खिलाफ फौज की सरपरस्ती में कई बरसों से कत्लेआम किया जा रहा है। म्यांमार की हुकूमत रोहिंग्या मुसलमानों को बांग्लादेशी मुहाजिर कहती है और इंतहाई जो है अपना शहरी तस्लीम नहीं करती। म्यांमार में अनोखा कानून राइज है जिसके मुताबिक वो लोग जो 1823 के बाद ब्रिटिश इंडिया के किसी इलाके से आए वो बर्मा के शहरी नहीं हैं। इनको ना तालीम की सहूलत मिल सकती है, ना ही सरकारी नौकरी, और ना ही ये आम शहरी की तरह आजादाना घूम फिर सकते हैं। रोहिंग्या मुसलमान 10 लाख अफराद का एक ऐसा ग्रोह है जो किसी रियासत का रिहायशी नहीं। म्यांमार में 1962 से 2010 तक मार्शल लॉ लगा रहा और इस दौरान कई बार रोहिंग्या के खिलाफ क्रैक डाउन किया गया। 90 की तिहाई में किए जाने वाले क्रैकडाउन के नतीजे में हजारों रोहिंग्या बांग्लादेश भागने पर मजबूर हो गए। म्यांमार की हुकूमत रोहिंग्या के बजाय उन्हें बंगाली ही कहती है और वहाँ ये मुख्तलिफ कैंपों में रह रहे हैं। अक्वामे मुत्तहदा की रिपोर्ट्स के मुताबिक बुद्ध कौम परस्तों के शिद्दत पसंद रवैये के साथ उन्हें बर्मी फौज की तरफ से कत्लो गारत, कैद, बदसलूकी और दीगर मजालिम का भी सामना है। अक्टूबर 2015 में लंदन की क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी ने एक रिपोर्ट पेश की जिसके मुताबिक म्यांमार हुकूमत की जेरे सरपरस्ती रोहिंग्या की बाज़ाब्ता नस्ल कुशी अब आखिरी मराहिल में है। ठीक है, इस सब पर जो है वो हम बात करते हैं। म्यांमार की ही सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है लाइन पर पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा साहब। अस्सलाम वालेकुम कमर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, खैरियत है जी। कमर साहब, म्यांमार में जो कुछ हो रहा है और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बर्बरियत की एक ऐसी मिसाल जो है वो हमें दूर दूर तक नहीं मिलती है, इस तमाम सूरत हाल पर हम जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, पीपल्स पार्टी क्या रोल प्ले कर रही है, तहरीक इंसाफ ने तो जी अभी तहरीक अल्तबा जमा करा दी है सबके लिए कि इसके ऊपर बहस की जाए, इस मामले के ऊपर पीपल्स पार्टी क्या कर रही है? यकीनन पीपल्स पार्टी की क़यादत भी इस मामले में बहुत परेशान है। आपने मीडिया में देखा होगा कि हमारी क़यादत की तरफ से भी, पार्टी की तरफ से भी
हमारी पार्लियामेंट्री पार्टी की तरफ से भी इसकी भरपूर अंदाज में मुरम्मत की जा रही है और की गई है मीडिया के अंदर भी और पार्लियामान के अंदर भी। फर्दर मोर अगर इस पर तहरीक आती है या रेजोल्यूशन होते हैं तो पीपल्स पार्टी विल बिकम पार्ट ऑफ दैट और बिल्कुल उसमें सारी कौम इकट्ठी होगी। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि म्यांमार में यकीनन एक तवील अरसे से वहाँ पे जो फौजी आमरियत और बर्बरियत आवाम के खिलाफ थी और अब मुसलमान के खिलाफ शुरू हो गई है, ये इंतहाई अफसोसनाक सूरत इंतहाई तकलीफ सूरत हाल है। और दुनिया का जो आलमी जमीर नाम का कोई चीज कही जाती है जो है तो नहीं जी। क्योंकि अगर ये एक दुनिया के किसी डेवलप्ड मुआशरे में एक बंदे को कोई चीज लग जाए या कोई किसी के साथ ज्यादती हो जाती है तो सारी दुनिया इस पर चीख पड़ती है। और यहाँ पे हजारों लाखों लोगों का मुस्तकबिल इंतहाई इनसिक्योर्ड है, काम हो रहा है, लोगों के घर जलाए जा रहे हैं, उनको पोस्ट माइग्रेशन पे मजबूर किया जा रहा है बेचारों को। तो ये इस पर आलमी जमीन जो है या आलमी राय आमा जो है वो इस वक्त खामोश है या एक्टिव नहीं है जितनी होनी चाहिए जी। और मुस्लिम लीडरशिप ज्यादा अफसोसनाक है कि इस वक्त पाकिस्तान के वो मालिक जो ताकतवर और वसाइल वाले हैं और अपना इन्फ्लुएंस रखते हैं वो दुनिया में अपने मफादात के लिए जी। वो मीटिंग कर सकते हैं और इन्फ्लुएंस कर सकते हैं लेकिन इन मुसलमानों के लिए वो काम नहीं कर रहे जो करने की जरूरत है। तो पाकिस्तान गवर्नमेंट को चाहिए कि वो मुसलमान ममालिक को भी और आलमी राय अमा को भी इस मामले में हमवार करने की कोशिश करे, इस मामले में जगाने की कोशिश करे कि ये एक इंसानी अलमिया है जी। जिसको सिर्फ मुसलमानों के साथ लिंक कर चले, मुसलमानों का भी एक इशू है, इसको मुस्लिम वर्ल्ड के साथ भी बात करें लेकिन इसको एक इंसानी अलमिया के तौर पर दुनिया के सामने रखने की जरूरत है और इसका इलाज निकाल लें। चलें जी, बहुत शुक्रिया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा रोहिंग्या मुसलमानों के हवाले कर रहे थे और उनका यही कहना था कि आलमी तौर पर भी अब तमाम मुसलमानों को उठ खड़े होना चाहिए और आलमी तौर पर भी अब रिएक्शन देना चाहिए। जितनी भी हमारी मुस्लिम ममालिक हैं, जितने भी तमाम मुसलमान हैं पूरी दुनिया में, एटलीस्ट किसी मसले पर एक नहीं होते रोहिंग्या के मुसलमानों के हवाले से तो उनको एक होना चाहिए। वहीं हम देखते हैं कि KPK में भी करारदाद पेश की गई है इसी हवाले से और पीपल्स पार्टी इवन हर जमात ही इस हवाले से बात कर रही है। मुस्लिम लीग नून के भी काफ़ी रहनुमाओं ने इस हवाले से बयान दिए हैं और इस हवाले से अब एक्टिविटी शुरू हो गई है, इस हवाले से अब लोग जागना शुरू हो गए हैं। सोशल मीडिया पर भी एक उधम है कि जी मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है रोहिंग्या के, और वैसे ही हम चाहते हैं कि इंटरनेशनल प्रेशर इतना बिल्ड किया जाए कि तमाम लोग जागें, उठें, इस मसले पर बात करें, एटलीस्ट इस मसले को सॉर्ट आउट किया जाए। उनको पोस्ट माइग्रेशन पर मजबूर किया जा रहा है उन मुसलमानों को, कम से कम ये चीज़ें तो बंद होनी चाहिए। बिल्कुल जनाब, सिर्फ एहतजाज नहीं अमल भी ज़रूरी है। इसी के साथ ही प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुँचता है। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी सेम टाइम सेम चैनल, कुछ नए मेहमानों के साथ, कुछ नए टॉपिक्स के साथ, कुछ नई स्टोरीज के साथ। टिल देन हमें इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज एंड कीप वॉचिंग। गुड मॉर्निंग आज।